एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स, अन्यों के विचार का स्वीकार। तो ये एक और संकल्प से सफलता की ओर जाने के लिए एक आयाम आपके जीवन में जरूर चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स। उसके लिए थोड़ा ईगो कम करना पड़ता है। मुझे आता है, मुझे पता है, मैं बुद्धिशाली हूं, मेरे विचार श्रेष्ठ हैं, मुझे कार्य करना आता है, मैं अनुभवी हूं। चोखी देसी भाषा में बोले तो बापू आपने बद्दू आवड़े छे। चोखी देसी भाषा में क्या, ना ना मने बधी खबर छे, ना ना आपने बद्दू आवड़े छे, आपने बद्दू करेलू छे ने। आ व्यक्ति नी कोई दिवस प्रगति ना थाय, ये आखी जिंदगी आज बोलतो रहे, ना ना आपने बद्दू आवड़े छे, होय त्यानो त्यां। अन्य के विचार का स्वीकार, टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज इज इंपॉर्टेंट। और एक संकल्प से सफलता की बात जब आती है, व्यसन से दूर रहना, नेगेटिविटी से दूर रहना, कमजोर लोगों से दूर रहना, और सबसे बढ़िया बात यह है इसमें, इस श्रृंखला में, कि अपनी निर्बल प्रवृत्ति को छोड़ के, उस प्रवृत्ति उस प्रकृति को छोड़ के आप सबल बनने का प्रयत्न करना। आसपास नेगेटिविटी होती है, विचारों में भी नेगेटिविटी होती है, उसको कभी एंटरटेन मत करना। पता है सुसाइड के दर क्यों बढ़ रहे हैं? पता है निष्फलता में लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस में क्यों चले जाते हैं और सफलता तक नहीं पहुंचते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आप सोशल मीडिया से ओवर एक्सपोज्ड हो। मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं। एवरेज इंडियन स्पेंड्स 2 hours and 40 minutes इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, विच इज डिजास्टरस, विच इज अ डिजास्टर। ये गैजेट बने हैं हमारी सेवा के लिए। आप मोबाइल का भरपूर उपयोग करना, हम भी करते हैं। आप आईपैड या आईपॉड या लैपटॉप कुछ भी हो उसका भरपूर उपयोग करना, अभ्यास के लिए अगर कोई विद्यार्थी बैठे हो, अपने व्यापार के लिए, ये टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना ही चाहिए। लेकिन वो टेक्नोलॉजी में ताकत भी इतनी है कि आपका जीवन वो बर्बाद भी कर सकती है। इससे बचना तो ही आपका संकल्प सफलता तक पहुंचेगा।